अच्छा बाबू जी, एक गल जड़ी है मेरे अंदर खलबली मचांदी है, ते वो एक रवायत है, कुछ लोग कहते हैं हदीस है, कोई रवायत कहते ने, इस दे विच एक मामला है। मसलन एक लफ्ज आता है गज़बा हिंद जी हाँ, और गज़बा वो लड़ाई है जिसे हजूर बनफ्स नफीस शिरकत करते ने, ये गज़बा हिंद की है। हिंद के लफ्ज आता पे क्या लड़ाई कोई इतनी होगी ये बड़ी जरूरी गल है करनी और समझनी भी बड़ी जरूरी है। जी जी, कुछ गल ऐसा जड़िया इतने नहीं हो सकदियां, जिस तरह जितने भी बड़े सूफिया हो कोई गल जी है मस्जिद करते सन खुले जी। कुछ गल्ला अंदर कुंडी मार के करते सन, उदा तलक एक खास इलम और इदराक और एक सतह नाल हुंदा सी। अगर आम आदमी वह गल सुन लवे तो पता नहीं दीन ही चीज खराबी आ जाए। ये वैसे वो गल कुछ गल ऐसा जड़िया बंदा उन्होंने दोहरा नहीं सकता, मगर गजबे का लफ्ज इस्तेमाल होया। गजबा दो मायने जिथे इस्तेमाल होया, एक तो यह बहुत बड़ी जंग होगी, हुजम की वजह से भी उन्होंने गजबा कहा गया। अच्छा, मगर इस तो भी ज्यादा यह है कि गजबा खालिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन नू तकमील देने वास्ते है। अच्छा, वो मिशन जेड़ा मेरे आका ने शुरू किया सी कि शिर्क बुतपरस्ती का खात्मा जी, उदे मुकम्मल करने वास्ते ये लड़ाई होवेगी जी। क्योंकि तवातर है हदीस का, हदीस मुबारक है बुखारी मुस्लिम सारे। अच्छा, हदीस मुबारक है जी हाँ जी। कई लोग तो हूँ आखन लग पे ना, क्योंकि उधर अग्यार को अहले मगरब को दब गए थे, भाई ये ज़ईफ हदीस है, माज़अल्लाह ये ज़ईफ हदीस नहीं जी। इसलिए आपने फरमाया नाले फरमाया कि बहुत सो को कत्ल करने, बहुत सो को कैदी बनाने के बाद ये मुजाहिदीन आखिर शाम में ईसा की फौजों से जा मिलेंगे। ठीक, ये पूरा उदा तवातर है जी। ये बस ये होना ही होना है, ये किन्ना टाइम है किन्ना टाइम नहीं, ये शायद मैं तुसी वंड नहीं कर सकते, मगर ये हदीस मौजूद है। और गजबा इस वास्ते किया गया कि वो जो मिशन है आपका, क्योंकि आपका मिशन सी पूरी कायनात चो शिर्क बुत परस्ती का खात्मा जी, और पूरी कायनात च हर किस्म की मखलूक दे इस्तेसाल दा खात्मा जी। शिर्क बुत परस्ती का खात्मा अरब च हो पाया, इस इलाके च अज भी जारी है। इससे वास्ते आपने आखिर जमाने च फरमान जारी किया कि हिंद चो गजबा होगा जिदी बुनियाद शिर्क बुत परस्ती के खात्मे ते होगी जी। इस वास्ते इसनों, क्योंकि मिशन आपका गजबे का नाम दिता है। पाकिस्तान जड़ा है इसनों मैं करिया इश्क मोहम्मद कहना, करिया इश्क मोहम्मद है, बिल्कुल सही, इश्क रसूल दा एक बस्ती है, ते क्या पाकिस्तान दा भी कोई किरदार इस गजबे दे च वाज़े होएगा जी? सर एक गल बड़ी सिंपल है, मैं तकरीबन घाटी है कोई ऐसा इस्लामी ममालिक है जिहड़ा नाम है वेख्या होगा जी जी, मगर आका नाल मुहब्बत दा जो अंदाज जो टांग इत्थे है किधरे भी नहीं, जो पाकिस्तान है। ये नसीबां वाली बस्ती है जिहड़ी सरकार ने प्यार करने वाली बस्ती है, मोहब्बत करने वाली जी। क्या बंदा माड़ा है माठा है गुनहगार है जिवें भी है, अपने आका नाल उहदा प्यार जी जारी है। इहदे बणन दा कोई मकसद ही नहीं अगर इहदा किरदार गजबा हिंद च ना होंदा। ठीक, इहदा मकसद ही वजूद पाण दा गजबा हिंद दा है। अच्छा, ताकि उहदे च इत्थे दे लोग, कुछ लोग एक लाहौर इस नूं कहिंदे जिहड़ा पहला सूबा है लाहौर होंदा सी जी, इंडिया दे विच इक इलाका है मालाबार, जिहड़े सूफियां दी जुबानी है गल्लां, ते कुछ अफगानिस्तान, ये तीन खितियां दे लोग जिहड़े ने इहदे च मेन किरदार अदा करनगे। ये बहुत सारे सूफी, एक वाइस चांसलर भी होए पंजाब यूनिवर्सिटी दे, वह भी दरवेश सन, फौत हो गए, काफ़ी होम्योपैथिक के जरिए लोगों का इलाज करते थे जी। उन्हां दी गल है, वासफ अली वासफ ने भी की है, होर जितने नज़दीक दरवेश होए मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह होए या होर भी जी, सारे सूफिया ने एक गल की है जी कि यह खिता है जिहड़ा इहदे च किरदार अदा करदा है जी हाँ। उन्हें सन नहीं पता कि वह कदों होना है, इसके बारे मेरे कोई नॉलेज नहीं। असी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वास्ते दुआ करो कि मैं इतनी उम्र पावा कि गज़बा हिंद शामिल होवां। एक ने फरमाया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, अबू हुरैरा जी, क्योंकि आपने फरमाया सी कि गज़बा हिंद के शुरका मेरे अव्वलीन के दर्जे को पहुंचेंगे। वाह, उन अव्वलीन होन जिहड़े साहिब फजीलत असहाब रसूल ने जिन्हों का कुरान तस्करा जी जी। और अबू हुरैरा तो क्योंकि बिल्कुल आखिर जमाने च आपको लाए सन,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਵਲੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ ਅਵਲੀਨ ਹਿੱਸਾ ਜਾਵਾਂ।